अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फंदोज़ हो रहे होंगे और रमज़ान मुबारक की बरकतें और सआदतें समेट रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। अभी हम आपको लेकर जाएंगे इंशाल्लाह मस्जिद नबवी की छत पर, वहाँ के मनाजर दिखाएंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे मस्जिद नबवी के अंदर अफ्तारी, आखिरी अफ्तारी का जो मंजर होगा आज वो दिखाएंगे और फिर इंशाल्लाह हादी भाई जो हैं अपनी तिलावत सुनाएंगे आज आप सबको। यहाँ से देखें सामने जन्नतुल बकी की दीवार नज़र आ रही है और इसके सामने ये गेट नंबर 358 है। इधर से अगर हम एंटर हों तो बिल्कुल सामने जो है दरवाज़ा पड़ता है। पहले हम आपको यहाँ के मंजर दिखा देते हैं कि यहाँ पर इस वक्त क्या मंजर है। ये देखें अफ्तार की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं असर की नमाज के टाइम से ही और यहाँ पर सारे जो हैं वो पार्सल्स और डब्बे और अफ्तारी का सामान जो है वो आना शुरू हो गया, इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। इस दरवाजे से हम जाएंगे अंदर छत की तरफ, यहाँ से छत का दरवाज़ा जाता है। छत पे हम आ चुके हैं लेकिन अभी नमाज हो रही है यहाँ पर, इसलिए हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है लोग आराम कर रहे हैं और यहाँ पर जो है शुरू हो गए हैं सुफरे लगने, यानी कि दस्तरखान, अरबी में सुफरा दस्तरखान को कहते हैं। इफ्तार का दस्तरखान लगना शुरू हो गया है और यह आप मस्जिद नबवी के बाकी मनाजिर देखें, माशाअल्लाह सुबहानअल्लाह, छत पर भी क्या खूबसूरत मनाजिर हैं। और यहाँ पर जो है ना ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये खेल रहे हैं और ये हादी साहब का भी दिल चाह रहा है इनके साथ खेलने को, हादी भी खेलना चाह रहा है। ये देखें बच्चे, ये देखें जी, ये है मस्जिद का मंजर, मस्जिद की छत का मंजर, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। और यहाँ पर हमें मिला है ये प्यारा सा परिंदा जो यहाँ पर जो है एंजॉय कर रहा है यहाँ का सुकून और यहाँ की खामोशी को। हादी को भी बड़ा अच्छा लग रहा है ये परिंदा, हादी हादी की आंखों में धूप पड़ी है। छत का मंजर देखें माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, धूप की वजह से कैसे दीवारें चमक रही हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। अल्लाह पाक के प्यारे नबी की प्यारी मस्जिद, जितना भी देखो दिल नहीं भरता। ऊपर लोग नहीं थे तो हादी का दिल ही लगा, हादी साहब चाहते हैं कि आप नीचे चले जाएं। हादी साहब जो है ना मस्जिद के नीचे वाले हिस्से का मंजर एंजॉय कर रहे हैं यहाँ खड़े होके। ये देखें नीचे का मंजर सुबहान अल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना रश है, कितने लोग हैं माशा अल्लाह। और यहाँ पर जो है ना पैकेट्स तकसीम हो रहे हैं अब ना अफ्तारी के पैकेट, क्योंकि अब टाइम हो रहा है नमाज के बाद, असर के बाद से ही तकसीम शुरू कर दी जाती है। और यहाँ का मंजर देखें, यहाँ पे कुछ पैकेट्स तकसीम हो गए हैं, कुछ अभी तकसीम हो रहे हैं, ये मगरिब तक इसी तरह तकसीम चलती रहेगी। और लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं पुरसकून अंदाज में, अपना वक्त गुजार रहे हैं, कुछ कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और कुछ जो हैं बातें कर रहे हैं, कुछ कुरान पाक पढ़ रहे हैं और कुछ दस्तरखान जो हैं वो भर चुके हैं और कुछ दस्तरखान जो हैं अभी इंतज़ार में हैं अपने लवाजमात के। यहाँ पर तकसीम हो रहे हैं पैकेट्स, हादी भाई जा रहे हैं अपना पैकेट रिसीव करने और ये हादी भाई ने अपना पैकेट रिसीव कर लिया है। और यहाँ जो है हादी भाई अपना पैकेट दिखा रहे हैं और हादी भाई के पैकेट में देखते हैं कि क्या कुछ है। खजूरें हैं, दही है और पानी है और ये है ब्रेड जिसको अरबी में खुब्स कहते हैं। तो अब हादी भाई ने अपनी अफ्तारी ले ली है और अब हादी भाई बैठकर इंतज़ार करेंगे, जो कि हादी भाई के लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि हादी भाई हैं एक छोटे बच्चे। तो हादी भाई को हमने सजेस्ट किया कि अगर आपको इंतज़ार मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप हमें तिलावत सुना दें, आपका टाइम भी गुजर जाएगा और अल्लाह ताला भी खुश हो जाएंगे। तो चलें जी सुनते हैं हादी भाई साहब की तिलावत। بسم الله الرحمن الرحيم
ये हादी ने एक नया दोस्त बनाया मस्जिद में, ये इसकी तिलावत बड़े गौर से सुन रहा था। हादी अभी कायदा ही पढ़ता है, इसको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, सूरतें जो याद हैं इसको बस ऐसे उंगली फेर फेर के पढ़ लेता है, तो इसकी गलतियों को ज़रा नज़रअंदाज कर दीजिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लिस्साइमि फरहतानी, फरहतुन इंद फित्रिही व फरहतन इंद लिका रब्बी, यानी रोज़ेदार के लिए दो खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त, यानी जब अपने रब से मुलाकात करेगा तो रोज़े का सवाब देखकर खुश हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को कबूल फरमाए, और इफ्तार के वक्त की जो खुशी है उसको तो हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि हमने उसका तजर्बा किया है, और अल्लाह ताला अपनी मुलाकात के वक्त की खुशी से भी हमें हमकिनार करे और हमारे रोज़ों को शर्फ़ कबूलियत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। हादी भाई जो हैं खाने के मामले में ज़रा चूजी किस्म के आदमी हैं, चुन चुन के खाना खाते हैं, तो बाकी तो इतनी ज़्यादा कोई चीज़ इनकी पसंदीदा नहीं है, सब्जियां फल नहीं खाते, लेकिन दही शुक्र है अल्लाह का के खा लेते हैं, इसलिए हादी भाई बहुत ज़्यादा खुश थे और हादी भाई ने दिल भर के यहाँ पर दही खाया। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी आज की इफ्तारी, आखिरी इफ्तारी रमज़ानुल मुबारक की मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर के हिस्से में, और बाहर का मंज़र भी देखें किस कदर खूबसूरत लग रही है मस्जिद नबवी, और लोगों का किस कदर हजूम है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद जो है शुरू हो चुकी है यहाँ पर सऊदी अरब में, सब लोग एक दूसरे को ईद मुबारक दे रहे हैं। आप सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करे कि ये ईद आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, आपके और आपके घर वालों को खुशियाँ अता हों, और तमाम उम्मत मुस्लिमा को खैर आफियत अता हो अल्लाह ताला की तरफ से। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।